वही बीसी सखी इस कार्य को करती है, किसी को पैसा जमा करना है वह भी काम वही कर रही है, किसी को कोई अन्य पैसा निकालना है या पैसा जमा करना है सारा कार्य वह बीसी सखी कर रही है। और ऐसे 42,000 बीसी सखी आज के दिन तक डिंपल उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। हर ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी हो यह भी एक तीसरी जॉब गांव के अंदर गांव के लोगों को उपलब्ध करवाई गई। चौथा, गांव में एक कन्वेंशन सेंटर हो, शादी ब्याह मांगलिक कार्यक्रम, किसी का मुंडन है, किसी को भोज देना हो, कोई अन्य कार्यक्रम करवाना हो, इसके लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, पहले से ही निर्मित भवन हो और उस भवन में यूजर चार्ज कम से कम हो। अगर आप टेंट लगाएंगे लाख दो लाख का खर्चा हो जाएगा, आसानी क्या है वहां पे पहले से भवन बने, आसानी से कम पैसे में लोगों को सुविधा मिल सके तो पब्लिक को सुविधा मिल गई, साथ साथ वहां पर एक व्यवस्था बनाई गई कि एक व्यक्ति उसकी रखरखाव की जिम्मेदारी निभाएगा, उसको निश्चित मानदेय मिले, तो एक चौथी जॉब भी गांव में मिल गई। पांचवा कार्य उस गांव के लिए किया गया है कि जो फेयर प्राइस शॉप है, कोटे की दुकान है, पहले कोटे की दुकान में केवल सरकारी राशन ही बेच सकते थे, अब हमने सुविधा दी है कोटे की दुकान में सरकारी राशन के साथ साथ अन्य सामान भी जो सामान्य उपभोक्ता के लिए उपयोगी हो सकता है, तेल है, साबुन है, दातून है और भी कॉपी किताब है, ये सब आप बेचने के लिए रख सकते हैं। गोदाम उसके पीछे एक बनाने की व्यवस्था बनाएगी सरकार और एक व्यक्ति जो फेयर प्राइस शॉप का संचालन करता है वो इसको देखेगा, निश्चित किराया ग्राम पंचायत में जमा करेगा। एक पांचवी जॉब वहां पर होगा, यानी एक ग्राम पंचायत में पांच जॉब क्रिएट किए गए हैं। ऐसे ही नगर पंचायतों में भी हमें करने की तैयारी करनी चाहिए।